और बड़ी खबर इस वक्त की अरविंद केजरीवाल से जुड़ी, आपको बता दें जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में एक संबोधन में उन्होंने इस बात की घोषणा की और कहा कि अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल का सीएम पद छोड़ने का ऐलान, दो दिन बाद सीएम पद की कुर्सी से इस्तीफा दिए जाने की बात कही है और वो कह रहे हैं कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के आम आदमी पार्टी मुख्यालय में इस वक्त संबोधित कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को। और लंबे समय के बाद वापस लौटे अरविंद केजरीवाल, जेल से जमानत पर छूट कर आए हैं और अभी चूंकि रिहाई काफी दूर है, रिहाई की दुहाई और अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा, जिनका ये कहना है कि मैं तैयार हूं अग्नि परीक्षा देने के लिए, दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे दो दिन बाद, और दो दिन बाद वो इस्तीफा देंगे तो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनवाते हैं आपको। दोस्तों, दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जिनकी हमेशा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दो दिन बाद दिल्ली के सीएम पद की कुर्सी से इस्तीफा दूंगा और इस्तीफा देने के बाद तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार घोषित नहीं कर दे, जब तक दिल्ली की जनता उन्हें स्वीकार न कर ले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर चल रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस वक्त और इस वजह से उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अभी इस वक्त वो काम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रचार कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन आज नहीं, दो दिन बाद, और दो दिन में क्या परिस्थितियां बनती हैं ये कुछ भी कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि इस वक्त देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उन चुनावों की तैयारी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर होना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में अब जमानत तो उन्हें मिल गई है, लेकिन इस जमानत में अभी पूरी तरह से उन्हें राहत नहीं मिली है क्योंकि ये जो जमानत उन्हें दी गई है बहुत ही घोर, भारी, गंभीर शर्तों के साथ दी गई है। और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा सुनवाते हैं आपको। दोस्तों, दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जिनकी हमेशा तो दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल और नवंबर में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि इस वक्त सिर्फ प्रचार कर सकते हैं, मुख्यमंत्री वाला कोई काम वे नहीं कर सकते हैं, अपने कार्यालय तक भी नहीं जा सकते क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इस बात को लेकर आरोप लग सकता है। ऐसे में उन्हें इन्हीं शर्तों पर जमानत दी गई है, जेल से बाहर निकले हैं दिल्ली के शराब घोटाला मामले के आरोपी अरविंद केजरीवाल, चुनाव प्रचार में ईमानदारी का झंडा बुलंद कर रहे हैं और जनता से ईमानदारी का
प्रमाण पत्र वो चाहते हैं, और ऐसे में आने वाले दो दिन बाद यानी आज कल के बाद वो इस्तीफा देंगे दो दिन बाद, और ये इस्तीफा 17 तारीख को वो दे सकते हैं। 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। उनका कहना है कि मैं दो दिन बाद इस्तीफा दूंगा और आज नहीं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना दिल्ली की राजनीति पर क्या कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा इससे? हालांकि दिल्ली की जनता को बिना सीएम के रहने की एक आदत सी हो गई है। दिल्ली की परेशानियां, दिल्ली की मजबूरियां, जो परिस्थितियां दिल्ली में बनी हमने देखा, भीषण गर्मी में बिजली गुल और बारिश में नाले फुल। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से दिल्ली की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साफ जाहिर है, क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ मुख्यमंत्री वाला काम कर नहीं सकते। ऐसे में राजनीति में इसका बड़ा असर हो सकता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री दो दिन बाद इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने ऐलान किया है जनसभा में कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी पार्टी हेडक्वार्टर पे अपने मुख्यालय में वो थे और वहाँ वो उन्होंने ऐलान किया है इस तरह का कि वो दो दिन बाद इस्तीफा दे दें। तो एक तरह से ये भावनात्मक रूप से इमोशनल कार्ड उन्होंने चला है, अगर उन्हें इस्तीफा देना था तो आज ही दे सकते। दो दिन का मतलब ये होता कि थोड़ा सा वो लोगों को भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, और उनकी फिर क्या राय होती है, हो सकता है कि वो बाद में अपना मन भी बदल दें कि शायद, क्योंकि जनता कहे कि नहीं आप रहे, ये विधायक कहे कि आपको इस्तीफा नहीं देना है। तो भावनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ने की एक कवायद है और अपने आप को साबित करने के लिए देखिए कि मेरे साथ जनता है। तो ये एक तरह से राजनीतिक रूप से भावनात्मक कार्ड है, और इसका क्या असर होगा वो आने वाले दिनों में दो दिन बाद तभी पता चल पाएगा जी। और वो जो इमोशनल कार्ड की आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने आप इस्तीफा मत दीजिए, और वो देखने को भी मिला, जैसे अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि मैं दो दिन बाद इस्तीफा दूंगा, तो लोगों ने हाथ हिला करके मना किया कि नहीं नहीं आप मत ऐसा कीजिए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहिए, भले ही आप किसी फाइल पर साइन कर पाएं, आप दिल्ली की जनता को परेशानियों से उबार पाएं या ना उबार पाएं, लेकिन आप मुख्यमंत्री रहिए। अब दो दिन बाद अगर मुख्यमंत्री पद से वे इस्तीफा देते भी हैं तो कौन होगा उस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए, किसी दूसरे चेहरे के बारे में भी कोई चर्चा? अशरफ देखिए अभी तक इस बारे में तो चर्चा नहीं है, लेकिन उनके जो डिप्टी रहे हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी वो हो सकती हैं, तो इन्हीं दो में से ज्यादा संभावनाएं हैं कि किसी एक को चुना जाए। ज्यादा संभावनाएं अरविंद केजरीवाल की पत्नी के ऊपर ज्यादा है, नहीं तो फिर अगर वो नहीं हुए तो मनीष सिसोदिया हो सकते हैं जी। अशरफ रहिएगा आप हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में स्थित आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि दो दिन बाद वो इस्तीफा देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से। देखिए आशीष जी, वो दो दिन बाद इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं ये आम आदमी पार्टी के स्तर का निर्णय है, और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं उन्होंने उनको अपना नेता माना है। अब यदि उनको लगता है कि जिस प्रकार का कृत्य उनका भ्रष्टाचार का कृत्य है और जिन शर्तों के साथ उनको देश के उच्चतम न्यायालय ने जमानत दी है उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो शायद इसे इस्तीफा दे रहे होंगे, ये निर्णय उनका है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर कर दी, उनको त्यागपत्र जिस दिन जेल गए थे तभी देना चाहिए था, जैसे हेमंत सोरेन जी का केस था कि जब तक जेल तब तक कह रहे सीएम, तो आप लगभग 200 दिन तक 200 दिन तक जेल में रहते हो आप, और मुख्यमंत्री के की कुर्सी पर आप विराजमान रहते हो, दिल्ली की बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आम जनता से जुड़ी वो ठप रहती है। पंकज जी अभी चूंकि वो मुख्यमंत्री वाला कोई काम तो कर नहीं पा रहे हैं, भले उनके इस्तीफे से बहुत प्रभाव ना पड़े, पर राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मिथुन जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मिथुन जी आपके सहयोगी कह रहे हैं कि दो दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। देखिए बहुत अच्छी उनकी रणनीति रही, ये जनता के सामने दिखाना आवश्यक था कि कैसे एक जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों तक जेल में रखा। अब वो इस बात को साबित कर चुके हैं, और जो जेल से उनकी शर्तें निकली हैं उसके तहत एक मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत ज्यादा उनके पास अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो ठीक बात है अगर वो ये घोषणा कर रहे हैं तो हमारा अलायंस उनके साथ में, उनका ये जो निर्णय है अच्छा निर्णय है, और उन्होंने भाजपा की पोल खोलने का काम किया कि कैसे भाजपा लोकतंत्र में यकीन नहीं करती और चुने हुए मुख्यमंत्री को चाहे
आप बात कर लें झारखंड की, चाहे आप बात कर लें दिल्ली की, कैसे इन लोगों को जेल में डालने का प्रयास ये लोग लगातार करते हैं। हम तो पहले से ही कहते रहे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की समर्थक नहीं है, वही आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को पाक साफ बताती है, वही आरोप किसी विपक्ष के नेता पर लग जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसे शुरू से ही आरोपी मानने लगती है, अपराधी मानने लगती है। उसी तरीके की टिप्पणी अगर सीबीआई को लेकर के अगर हमारे राज्य में तोते वाली टिप्पणी की जाती तो भारतीय जनता पार्टी उस पर आंदोलन करने लगती। स्वाभाविक है, वो तो जेल से भी सरकार चलाने की बात कह रहे थे, कह रहे थे मैं जेल से सारी फाइल साइन करके दे दिया करूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा, और इसमें भी अगर उन्हें समर्थन मिलता तो शायद ये कर भी देते अगर संविधान इसकी इजाजत देता। मिथुन जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। अब देखना ये होगा कि दो दिन बाद क्या होता है, चूंकि दिल्ली में जो स्थिति है, हालांकि दिल्ली की परिस्थितियां अलग है, घटना अलग है, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अगर जनता चाहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी।